स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों, आज हम कोरोना वायरस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको कोरोना हुआ है या फिर आपको सिम्टम्स लग रहे हैं, किस तरीके के सिम्टम्स नज़र आते हैं, आपको कौन सा मास्क पहनना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो आपको लेने चाहिए, आप अपना ट्रीटमेंट जो है कब आपको लगता है कि जो कंडीशन है सीरियस है, माइल्ड है, मॉडरेट है, तो ये सारी जो बातें हैं हम आज इस वीडियो में करेंगे। होप आपके लिए ये सब यूज़फुल हो। आज दोस्तों देखिए, सबसे पहले अभी कई सारे जो लोग हैं वो सुन के ही डर जाते हैं। मान लीजिए उनको थोड़े से सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, हो सकता है सिम्टम्स में गले में खराश हो, जुकाम हो, फीवर हो, तो कई सारे सिम्टम्स उसके नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कहीं हम पॉजिटिव ना आ जाएं, मतलब बाई चांस अगर हम आ गए तो क्या होगा, कोरोना से इतने सारे लोग मर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये है कि आपको पहली चीज़ बिल्कुल क्लियर करनी पड़ेगी। अगर आपको पता चलेगा कि आपको कोरोना है तभी आप उसका ट्रीटमेंट ले पाएंगे। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर से जाके टैबलेट्स ले लेते हैं और उसमें से क्या है, कुछ लोग ठीक भी हो जाते हैं जिनको माइल्ड है। और जनरली आजकल मेडिकल स्टोर पर भी सबको पता है कि कोविड की ये दवाइयाँ हैं, तो वो जनरली दे देते हैं। तो देखिए, इसमें कैसा है कि मे बी आप ठीक भी हो जाओ, और कई बार ऐसा होता है कि इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बाद में दिक्कतें आने लग जाती हैं। और ऐसा सेम मेरे पापा के साथ हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे स्पेशली बताना चाह रही हूँ, क्योंकि हमने भी ऐसा ही किया था। मतलब एक्चुअली में हमने नहीं किया था, पर पापा को ऐसा लग रहा था बाई चांस, क्योंकि पहले का टाइम था और शुरुआत में जो कोरोना है उसका भय बहुत ज़्यादा था। तो जैसे ही कोरोना हुआ तो उनको ऐसा लगने लग गया कि मान लो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा, मेरे को लग रहे हैं सिम्टम्स पर मैं चेक नहीं कराता, और वो गए और जनरली जाके मेडिकल स्टोर से उन्होंने दवाई ले ली। और ऐसा करते करते 5-7 दिन ली, फिर ठीक नहीं लगा, फिर जनरली डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को भी ऐसा लगा इतने सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे थे, तो डॉक्टर से कहा कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, आप तो मुझे टैबलेट दे दो। फिर टैबलेट्स चेंज करी, ऐसा करते करते 10-12 दिन हमारे निकल गए। और जब 10-12 दिन निकल गए तो एकदम से ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम हो गई, सांस लेने में एकदम तकलीफ होने लग गई, क्योंकि पापा को ऑलरेडी डायबिटीज़ भी है, तो जो सिचुएशन है बहुत ही ख़राब हो गई थी मतलब उस समय। तो मैं यहाँ पे जनरली अपना एक जो एक्सपीरियंस है, हम लोगों को भी हो रखा है, मेरे घर में सबको हो रखा है, तो यहाँ पे उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देना चाह रही हूँ। तो देखिए, पहली चीज़ है खींचना नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मेरे पापा का जो ट्रीटमेंट था उसमें हमने बहुत डिले कर दिया था, इसलिए उनको रिकवर होने में कम से कम 3 महीने लग गए। और जनरली मैं बोलूँ तो अभी की जो हालत है, क्योंकि उस समय पेशेंट इतने नहीं थे, हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ एक के हिसाब से बहुत अच्छी थी, बहुत सारे लोग थे उनकी केयर करने के लिए, तो क्या है, हम वो टाइम ऐसा था कि हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें हमको मिलने भी आने देते थे, परंतु वही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह पूरा प्रिकॉशंस के साथ में। तो यहाँ पे क्या है, अभी जो सिचुएशन है उसमें कैसा है कि आपको उस समय तो एक रूम था, अकेले मेरे पापा थे हॉस्पिटल में, अभी ऐसा है कि उसी हॉस्पिटल के रूम की बात करती हूँ तो 71 जो लोग हैं वो वहाँ पर एडमिट हैं। तो आप बताइए, आप जाएंगे तो आपको इन्फेक्शन और भी हो सकता है, इसलिए आप भी नहीं जा सकते। तो आपको क्या करना है, आपको पहले से ही ध्यान रखना है, अगर आपको ज़रा से भी सिम्टम्स नज़र आते हैं सबसे पहले टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर ने यही कहा था कि आपने बहुत लेट कर दिया, ऑक्सीजन इतना घटने लग गया है, उसके बाद जाके आप लेके आए हैं, तो इतने टाइम क्या कर रहे थे। और वो मेरे पापा का डर ही था कि जाके अगर मैं चेक करा दूँगा तो मे बी पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पर आप ये जो लेसन है प्लीज़ ले लीजिए, जब भी आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं फौरन जाइए आप डॉक्टर के पास में, सॉरी टेस्ट कराइए, उसके बाद में अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है। अब देखिए, चेक कराना हो गया, उसके बाद में आपको कुछ चीज़ें, क्योंकि जब आपको पहले दिन आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं उस दिन तो आप देखेंगे, एक दिन तो आप जनरली हर जना देखता है, मान लीजिए आप टेस्ट आपने उस दिन नहीं कराया है, तो कुछ चीज़ें आपको पहले से शुरू कर देनी है। जैसे ही आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं आप सबसे दूर हो जाइए, बिल्कुल अपने आप को क्वारंटाइन कीजिए, अलग हो जाइए सबसे, मास्क पहन के घर पर भी आप मास्क पहन के रहिए, लोगों से जो घर के मेंबर हैं उनसे दूरी मेंटेन कीजिए, और जनरली आप जो चीज़ें छूते हैं कोशिश कीजिए बाकी सब जने जो हैं उससे अलग रहें, ना छू, जो भी आपको सामान चाहिए आप अपने रूम के बाहर रखवा दीजिए, और उन सबको मेनली डिस्पोजल जो ग्लास वगैरह हैं ये सारी चीज़ें आप यूज़ कीजिए, क्योंकि मे बी क्या है, अनजाने में अभी आपको वो वायरस हो चुका है, अभी तक कैसा है रिपोर्ट आने में कभी 1 दिन 2 दिन लगता है, तो
तो हम क्या सोचते हैं, जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब हम बिल्कुल नॉर्मल रह लेते हैं, और उससे क्या होता है जो इन्फेक्शन है वो बाकी लोगों को आप दे देते हैं। तो उनको क्या है, तुरंत तो सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे, बट जब आप थोड़े टाइम बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, फिर उनको जो है वो सिम्टम्स उनको भी नज़र आने लगेंगे। अगर आपको लग रहा है तो आपको दूरी बना के रखनी है। देखिए, ये सारी चीज़ें मैं फेस कर चुकी हूँ, क्योंकि जब मुझे कोविड हुआ था और मेरी रिपोर्ट नहीं आई थी तो मैंने क्या किया था, मतलब मैं मेरी मम्मा के पास में सोई, मेरी छोटी सी बेटी है वो भी साथ में थी, तो क्या हम सब जने साथ में रहे, और फिर जैसे ही रिपोर्ट आई, रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसके बाद में बिल्कुल अलग हो गई। बट जो हम साथ में रह चुके थे वो जो वायरस है ऑलरेडी मैं सबको दे चुकी थी, बट सबको ऐसा लगा, सबने टेस्ट कराया, उस समय सबका नेगेटिव आया, तो सबको लगा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं अलग हो गई, बट उसके बाद उनके जो सिम्टम्स हैं, जैसे मेरी सिस्टर को सिम्टम्स नज़र आए लगभग 4 दिन बाद, मेरी मम्मी को सिम्टम्स और भी लेट नज़र आए 7 दिन के बाद में, मतलब मेरी सिस्टर जो पॉजिटिव हुई उसके भी 3 दिन के बाद में मेरी मम्मी को सिम्टम्स नज़र आए। तो ऐसा नहीं है कि आप फटाफट से साथ में रहे, टेस्ट कराए और नेगेटिव आ गए, वो जो सिम्टम्स हैं आपको बाद में भी नज़र आ सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको थोड़े बहुत भी लग रहा है, सिम्टम्स लग रहे हैं, तो आप अलग हो जाइए। रिपोर्ट अगर आपकी नेगेटिव आती है बाद में तो आप फिर से साथ में रह सकते हैं, परंतु जब तक आपको ध्यान रखना है बाकी लोगों का भी, क्योंकि सब जने पॉजिटिव हो जाते हैं तो फिर बिल्कुल घर में केयर करने वाला कोई नहीं रहता है, बाहर से आप मेड नहीं बुला सकते हैं, पड़ोसी आपकी हेल्प करने नहीं आ सकते, तो बहुत ही हेल्पलेस हो जाते हैं उस टाइम में। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो बाकी सभी लोगों से अलग रहें। तीसरी चीज़ अब आपको ध्यान रखनी है, देखिए अभी ये जो वायरस है वो 3 तरीके का होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सेवर। तो माइल्ड में क्या है, सिम्टम्स हल्के से नज़र आते हैं, तो उसमें डॉक्टर्स क्या आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप होम क्वारंटाइन हो जाइए, वही मास्क पहन के रखिए, लोगों से दूरी बना के रखिए घर पे, और टैबलेट्स लेते रहिए। दूसरी चीज़ जो है वो होता है मॉडरेट। मॉडरेट में क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो, लंग्स जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, थोड़ा थोड़ा डैमेज हो सकता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। मॉडरेट में कई सारे डॉक्टर्स ऑक्सीजन देखते हैं, अगर ऑक्सीजन जो है वो 95 से नीचे जा रही है तो वो एडमिट भी कर लेते हैं, अगर 95 से ऊपर है और थोड़े इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं तो इंजेक्शन वगैरह वो लिखते हैं। तो जनरली वो आपको देख के बताएंगे कि कैसा आपका इन्फेक्शन है। और तीसरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, उसमें आपको एडमिट होना ही पड़ता है। जनरली जो भी डायबिटिक हैं या फिर किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या फिर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और ऑक्सीजन लेवल वो देखते हैं डॉक्टर, ऑक्सीजन लेवल जो है वो आपका बहुत कम जा रहा है तो भी वो डायरेक्ट आपको एडमिट कर लेते हैं। तो देखिए, जो भी हो, पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नेगेटिव लोगों से आपको बिल्कुल दूर हो जाना है। कई सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि जो कि डर से चले गए, मतलब कोरोना उनका ठीक हो गया, परंतु वो जो डर था ना कि वो मर गया, ये मर गया, सुन सुन के वो क्या करते हैं, अपने आप को, उनका जो मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ से आप ठीक हो गए ना तो आपकी बॉडी स्ट्रांग भी होगी ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ मेंटली स्ट्रांग रहना है। जो भी नेगेटिव खबरें आपको जहाँ से मिलती हैं वो सोर्सेज आपको बंद कर देने हैं, ओनली पॉजिटिव सोचना है। आप देखिए, रिकवर होने की रेट जो है वो सब जगह बहुत ज़्यादा है, डेथ्स भी हैं, इसीलिए आपको अपनी केयर करनी है पूरी, परंतु घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। आपको अपना ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल आराम से सोच समझ के, डॉक्टर ने जो कहा है वो बिल्कुल फॉलो करना है। अब देखिए, यहाँ पे कई सारे लोगों की मैं एक बात बताती हूँ, ऐसा का ऐसा मेरी मम्मी ने भी किया, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। कई सारे लोग क्या करते हैं, 2 दिन की दवाई ली थी, जैसे डॉक्टर ने क्या किया, 7 दिन की दवाई दी। अब लोग क्या करते हैं, 2 दिन की दवाई ली और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अब तो मुझे ठीक लग रहा है, मैं नहीं लेती या नहीं लेता। फिर क्या है, वो जो वायरस है, इसको वायरस को मारने के लिए पूरा कोर्स लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप नहीं करिए, क्योंकि सेम मम्मी ने ऐसा ही किया और फिर उसके बाद में 2 दिन के लिए कि मुझे ठीक लग रहा है, फिर उसके बाद में उनके इंजेक्शन लगाने पड़े। तो यहाँ पे क्या है, इतने इंजेक्शन वगैरह लगाने से अच्छा है जो भी 5 दिन का 7 दिन का कोर्स आपको दिया है वो आप लेते रहें। ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें क्या है, जिनको भी इंजेक्शन लग रहे हैं या हाई डोज दी जा रही है उसके साथ में एक इको स्प्रिन या फिर कोई भी खून पतला करने के इंजेक्शन भी लगते हैं, टैबलेट्स भी दी जाती हैं, वो आपको मिल रही हैं या नहीं मिल रही वो ध्यान रख लीजिए। क्योंकि आपने अभी अभी में देखा होगा
कोरोना होने के बाद में लोग हार्ट अटैक से बहुत ज़्यादा मर रहे हैं या फिर किडनी श्रिंक हो रही है, तो ये सारा रीज़न क्या है उसका कि खून जो है कोरोना के टाइम में खून गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा होने के लिए उसको पतला करने के लिए जो टैबलेट्स दी जाती है। अब खून गाढ़ा हो जाएगा तो ऑक्सीजन जो है वो लंग्स तक नहीं जाएगी, और नहीं जाएगी तो हार्ट अटैक या दूसरी कोई भी किडनी फेल हो जाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर ये पूछ लें कि इस तरीके की दवाई जो है खून पतला करने की वो दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। क्योंकि मेरे पापा को ये जो दवाई है लगभग 1.5-2 महीने तक दी थी, और सेम एक अंकल हैं जिनको वो दवाई नहीं मिली और हार्ट अटैक आ गया था। तो ये जो कंसर्न है मैं जो कहती हूँ वो आपको एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लेना है कि वो दवाई दी जा रही है या नहीं। अब देखिए कोरोना हुआ, आपको टैबलेट्स दी जा रही हैं, अभी कोई भी जो लोग हैं ना उन सबसे आपको, चाहे आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, आप जब टेस्ट कराने जाते हैं, हर जगह आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दूरी बनाए रखनी है और मास्क पहनना है। अब कई सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि मास्क जो है वो कौन सा पहनना चाहिए, तो N95 भी पहनना है क्या? देखिए N95 बिल्कुल अच्छा मास्क है। जनरली क्या होता है N95 जो डॉक्टर्स वगैरह पहनते हैं, क्योंकि वो क्या है पेशेंट के बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो ऑब्वियसली पहनते हैं। आप लोग अगर 3 लेयर का जो एक बार यूज़ करने के बाद आप थ्रो करते हैं वो वाला भी पहन सकते हैं, वो भी अच्छा है। 7-8 घंटे तक आपको वो पहनना है और फिर आपको चेंज कर लेना है, तो उसको धो के वापस से यूज़ नहीं करना है, तो रीयूज़ नहीं करें उसको। एक बार आप यूज़ करते हैं तो वो भी 3 लेयर का अच्छा मास्क है, वो आप जनरली अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो आप पहन सकते हैं। अभी देखिए हम कई बार जो डॉक्टर्स हैं आजकल क्या करते हैं 14 दिन के बाद में वापस टेस्ट नहीं करते, वो कहते हैं कि अगर आप ठीक हैं आपको अच्छा लग रहा है तो उसके बाद में आपका टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसका क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि डॉक्टर से जो मैंने डिस्कस किया, जो मेरे डॉक्टर थे, उन्होंने ये बताया कि देखिए अगर हम टेस्ट करते भी हैं तो वायरस क्या है मरने के बाद भी अगर उसका टेस्ट किया जाता है तो वो पॉजिटिव दिखाता है। अगर आपको ठीक लग रहा है, आपको ऑलरेडी 14 डेज हो चुके हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। और उसका रीज़न ही यही है क्योंकि अगर हम टेस्ट कराएंगे और वो मरा हुआ वायरस आपके कहीं गले में चेक कर रहे हैं, नाक में कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वो हल्का सा लग लेंगे और वो वापस से पॉजिटिव दिखाएगा और आप घबराना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे इसीलिए वापस से टेस्ट करने की जो पहले से करते थे वो आजकल नहीं करते हैं, कोई सजेस्ट भी नहीं करता वो करने के लिए, कहते हैं कि ओके अगर आपको ओके लग रहा है तो फिर आप तभी आप टेस्ट ना कराएं, और नहीं लग रहा है तो आप वापस से टेस्ट कराइए, मे बी थोड़ा जो वायरस है वो फैल गया हो। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, कई बार ऐसा होता है लोगों की तबीयत ठीक नहीं होती परंतु वो नेगेटिव आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको देखिए अगर ऑलरेडी कोई बीमारी है तो क्या होता है नाक से और गले से वायरस चला गया, परंतु हो सकता है कि वो लंग्स में हो, तो आप सिटी चेस्ट कराने को बोलेंगे डॉक्टर या फिर एक्सरे कराने को बोलते हैं, तो आप वो ज़रूर करवा लीजिए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है इन्फेक्शन जो है वायरस जो है वो हमको नेगेटिव आ जाता है कि नहीं है, परंतु वो क्या है बॉडी के अंदर जो है वो सर्वाइव करता है और फैलने की कोशिश करता है, जो कि अंदर डैमेज कर देता है और उसमें क्या है अचानक से ऑक्सीजन लेवल जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। अब देखिए कई सारे लोग जो है वो ये भी देखते हैं कि हमको ज़्यादा सिम्टम नहीं है और अचानक से उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो रहा है, इसीलिए कहती हूँ ऑक्सीमीटर जो है, कई बार किसी का ऑक्सीजन ऐसा भी रहता है कि 80 भी रहता है परंतु उनको खुद को पता नहीं चलता है और ओके लगता है, सांस लेने में तकलीफ इतनी नहीं लगती। तो जब आपको सांस लेने में तकलीफ हो तभी आप सावधान मत होइए, पहले से ही आप अपना ध्यान रखिए। तो जनरली दोस्तों जिसको भी कोशिश करिए पहले से दूर रहें, काढ़ा पिए, गरम गरम चीज़ पिए, जब भी आपको कोरोना अगर पॉजिटिव है कोई भी ठंडी चीज़ रिस्की हो, मटके का पानी ये भी ना पिए, बिल्कुल बॉयल किया हुआ थोड़ा गुनगुनी जो चीज़ें हैं वो लीजिए। ठंडा चीज़ों से क्या है और भी ज़्यादा, जनरली भी अभी इस टाइम ये टाइम ऐसा आया है कि मैं तो कहती हूँ कि ठंडी चीज़ें मत खाइए, क्योंकि जनरल भी बुखार या जुकाम होगा और आपको लगता है कि कोई कोविड पॉजिटिव हो, टेस्ट कराने जाएंगे वहाँ इतने सारे लोग आते हैं, कहीं ना भी हो आप वहाँ से कहीं पॉजिटिव होके आ जाए, तो ये सारी चीज़ों के लिए अवॉइड कीजिए, अपना बहुत ध्यान रखिए।
और फ्रूट्स खाइए। विटामिन सी जो है आप जनरली भी लेना शुरू कर सकते हैं, आप पॉजिटिव नहीं हैं, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, परंतु अगर आप विटामिन सी लेते हैं इवन टैबलेट्स की बजाय अगर आप नींबू खाते हैं, संतरा खाते हैं, कीवी खाते हैं, ये सारी चीज़ें आप जनरली भी लेते हैं तो भी बहुत अच्छा है, हेल्दी है। और फ्रूट्स खाइए ज़्यादा से ज़्यादा, लिक्विड लीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप ध्यान रखिए। उम्मीद करती हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे शेयर की है, अपने डॉक्टर से जो कंसल्ट किया है वो शेयर की है, वो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।